सो हाय एवरीवन अगेन एंड आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वो खत्म करेंगे एंड ये पार्ट थ्री है द लिविंग वर्ल्ड पार्ट थ्री लास्ट टॉपिक है एंड नेक्स्ट वीडियो से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ओके सो आई होप यू आर रिवाइजिंग नोट्स एंड बेसिकली दिस व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी राइट 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर है. उसमें ज्यादा कुछ है नहीं अभी समझने के लिए. मेन टर्म्स ही हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन ही है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको एक दो चीजें क्लियर नहीं होंगी एंड एज वी वुड मूव अहेड टू न्यू चैप्टर्स वो आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी. तो जहां मैं बोलूँ कि अभी के लिए आप इसको छोड़ दो या आगे आपको समझ में आएगा आगे चैप्टर्स में तो उसको आप छोड़ दीजिएगा. ठीक है अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की. आज हम स्टडी करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में. सो वॉट इज टैक्सोनॉमी. कल हमने एंड किया था क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप के देख के और आज हमें एक कैटेगरीज में डिवाइड करना है एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स को उनको क्लासिफाई करने का काम आज हम करेंगे. कल हमने टाइप्स देखे और आज हम उनको क्लासिफाई करेंगे. ठीक है तो टैक्सोनॉमी क्या होता है. टैक्सोनॉमी मतलब हम इसको वर्ड टू वर्ड डिवाइड करते हैं. पहले टैक्सो से आता जो वर्ड है वो आता है टैक्सिस से एंड टैक्सिस वर्ड का मीनिंग होता है अरेंजमेंट एंड नॉमी वर्ड आता है नोमोस से जिसका वर्ड जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ या बाय लॉ. अकॉर्डिंग टू लॉ सो इट्स बेसिकली अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ. तो टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ द क्लासिफिकेशन. तो हम आज प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे कैसे क्लासिफाई करते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्लासिफिकेशन हम करते हैं किन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे. तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. प्लीज डू कीप ऑन मेकिंग नोट्स व्हाइल आई एम टीचिंग साथ साथ. ठीक है अगर आपका स्लो हो तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाइए. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग वीडियो सो दैट मेरी स्पीड से अगर आप कैच अप नहीं कर पा रहे यू कैन पॉज एंड रिव्यू इट एंड देन यू कैन मूव अहेड. ओके सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की हम अगर बात करेंगे तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होते हैं. सो अब अगर मैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन दे दी. नाउ कैटेगरी क्लासिफाई करना है तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन हम फॉलो करते हैं. उसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ऑन डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स कैटेगराइज करते हैं. आपको समझ में आएगा धीरे धीरे. अब देखो क्लासिफिकेशन ऐसी चीज है ना जो सिंगल स्टेप से नहीं हो सकता. हमें एक मल्टीपल स्टेप से जाना होगा एक हायरार्कियल फॉर्म में जाना होगा यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एंड अल्टीमेटली विल रीच ऑन द प्रोसेस हमें अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी. दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हम करते हैं. ठीक है तो एक एक स्टेप को हमें करना पड़ता है. एज आई हैव रिटन क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप मल्टीपल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड और हायरार्कियल स्टेप्स में हम करते हैं जहां पे जब जब हम एक एक रैंक में आएंगे तो हर कैटेगरी हर रैंक या फिर हर लेवल जो है एक लेवल दूसरा लेवल तीसरा लेवल हर लेवल जो है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करती है डिफरेंट लेवल्स पे एंड टोटल सेवन होती है. कितनी सेवन. ओके अब वो सेवन कैटेगरीज कौन सी होती हैं और कैसे कैसे होते हैं हम वो देखेंगे. ठीक है अगर अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे होगा. देखो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है. स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करते हैं. अब क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं. क्यों क्यों हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यूज कर रहे हैं. क्योंकि सिंपली क्लासिफिकेशन एक बार में नहीं हो सकता. हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी होगी एक एक अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड करना होगा और वो लेवल्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई कर पाएंगे. ठीक है हर लेवल पे क्लासिफाई कर पाएंगे ये तरीका होता है. और वो टैक्सोनॉमी बेसिकली टैक्सोनॉमी में जो वर्ड है टैक्सा इट रिप्रेजेंट रैंक.
कोई भी एक लेवल की रैंक जो होती है उसको हम टैग्जा कहते हैं. तो 7 टैग्जोनॉमिकल कैटेगरीज होती है, 7 टैग्जाज होते हैं, वो हम देखते हैं. सेवन टोटल 7 रैंक्स आर प्रेजेंट, वो रैंक्स के बारे में मैं लिख रही हूँ. ठीक है, 7 रैंक्स जो है, प्लीज नोट दिस डाउन. पहला है स्पीशीज, दूसरा है जीनस, तीसरा कीप राइटिंग विद मी, तीसरा है फैमिली, एंड डू रिमेंबर दैट यू हैव टू गो यू नो इन द सीक्वेंस. फोर्थ आता है ऑर्डर. फिफ्थ कौन सा आएगा? आई डोंट नो इफ यू हैव स्टडीड दिस अर्लियर, पहले कभी सुना है कि नहीं. फिफ्थ क्लास. सिक्स्थ आता है डिविजन. डिविजन को हम फाइलम भी कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फाइलम लिखा होगा. डिविजन एंड फाइलम इज द सेम थिंग. एंड सेवेंथ जो आता है वो आता है किंगडम. ठीक है, अब मेरे साथ साथ बोलेंगे. 7 टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं जिसपे हम, 7 रैंक्स होती है जिसपे हम हर कैटेगरी पे हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को उनके अकॉर्डिंग. पहला स्पीशीज, दूसरा जीनस, तीसरा फैमिली, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ क्लास, सिक्स्थ फाइलम और डिविजन द सेम थिंग, एंड 7 किंगडम. ठीक है, ये पांचों नाम लाइन वाइज याद होने चाहिए. ओके, आई मीन सातों नाम, 7, ऑल 7. जो स्पीशीज होता है इट इज द स्मॉलेस्ट, एंड जो किंगडम होता है बिगेस्ट. स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इन व्हाट सेंस? स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट होता है, हम सबसे छोटा होता है वो. इसमें सबसे कम ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, क्योंकि एकदम जो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन फीचर्स को शो करते हैं वो आते हैं स्पीशीज में. जैसे जैसे आप स्पीशीज से जीनस में जाते हो, जीनस से फैमिली में जाते हो, फैमिली से ऑर्डर में जाते हो, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कम होती जाती है और ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाते हैं, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आते जाते हैं, और किंगडम में ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं. ठीक है, वो आपको समझ में आएगा कैसे, विद एग्जाम्पल, जैसे हम एक एक रैंक को स्टडी करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए नोट कर लिया कि स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट रैंक होती है एंड किंगडम सबसे बिगेस्ट रैंक होती है. ठीक है, अब हम पहला पढ़ेंगे. पहला कौन सा है? स्पीशीज. स्पीशीज में क्या पढ़ेंगे हम? स्पीशीज क्या होती है? ये बेसिकली ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं फंडामेंटल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग. ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर, आई होप वीडियो नहीं अड़ रहा, टू देयर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स या फंडामेंटल फीचर्स या फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जो भी आप कहना चाहें. मतलब जो भी एकदम डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं ना, एकदम डिस्टिंक्ट, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो क्लियर होगा. वो डिस्टिंक्ट फीचर जो सिर्फ उसी पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, उन सबको हम एक कैटेगरी में डाल देंगे और उन सबको हम उस कैटेगरी का नाम दे देंगे स्पीशीज, और बोलेंगे कि भाई ये सारे जो ऑर्गेनिज्म है इनमें ये एकदम डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, ये सब में कॉमन है, इनको हम स्पीशीज बोलेंगे, ये सब सेम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, हम ऐसा कहेंगे. ठीक है, स्पीशीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. ये सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं. ओके, तो ये भी आप नोट, क्योंकि ये सबसे छोटा है, एकदम सबसे छोटा वाला, तो इसलिए इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है. एग्जाम्पल देखेंगे हम, वापस मैंगो पे जाएंगे. मैंगो मुझे बहुत पसंद है इसलिए हम मैंगो के बारे में बात करेंगे हर जगह. ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका जो है, इसमें ये इंडिका जो है इज द स्पीशीज. ओके,
यानी कि जो आपका नाम में जो हमने लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इफ यू हैव नॉट सीन द लास्ट वीडियो द वीडियो जस्ट बिफोर दिस वन, देन प्लीज गो थ्रू इट, अदरवाइज बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर नहीं समझ आएंगी. लास्ट टाइम हमने देखा था कि मैंगो का नाम है मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट ऑफ every scientific name of any organism, any living thing defines its species. तो ये indica species को belong करता है. यानी जितने भी mangoes होंगे जिनमें कुछ particular common characteristics दिख रही होंगी, वो उन सबको similar होंगी, तो उन सबको हमने एक साथ group कर दिया और उनको नाम दे दिया कि भाई इन सब में ये features similar है, तो अब हम इनको indica बोलेंगे. तो ये indica species को belong करते हैं. ठीक है, आई होप क्लियर है. डाउट्स हो तो बिल्कुल आप मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप कर दो, डाउट सॉल्व कर दूंगी मैं. सो ऑल द इंडिका स्पीशीज हैव, प्लीज कीप ऑन राइटिंग विद मी, कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स. व्हाट आर मॉर्फोलॉजी? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? द एक्सटर्नल अपीयरेंस, द एक्सटर्नल फीचर्स दैट आर विजिबल, वो मॉर्फोलॉजी में आते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा? अब एक दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूं मैं तुमको कि जो हमने सेम स्पीशीज की बात की, अब जो दो डिफरेंट स्पीशीज है उनके बारे में हम बात करते हैं. एग्जाम्पल मैं ले रही हूं सोलेनम ट्यूबरोसम और दूसरा ले रही हूं सोलेनम मेलोंगेना. अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया होगा और रिवाइज किया होगा तो सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो पोटैटो को बोलते हैं और सोलेनम मेलोंगेना जो है वो ब्रिंजल को बोलते हैं. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोलेनम सोलेनम सेम है लेकिन ट्यूबरोसम एंड मेलोंगेना ये अलग अलग है, यानी स्पेसिफिक एपिथेट यहाँ पे अलग अलग है और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो क्या डिफाइन करते हैं, स्पीशीज को डिफाइन करते हैं उस ऑर्गेनिज्म की. यहाँ सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम मेलोंगेना जो है वो डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बात भी पक्की है कि भाई दोनों का स्टार्टिंग जो है वो सोलेनम से हो रहा है, दोनों का जो जेनेरिक नेम है वो सोलेनम है. यानी ये क्लोजली रिलेटेड होंगे, आसपास होंगे, इनका रिश्ता कुछ तो रिलेशन होगा, दोनों का क्लोजली रिलेटेड होंगे, रिश्तेदार होंगे. मतलब कि ये दोनों closely related species है but different species है. ठीक है, तो solenum tuberosum, tuberosum is a different species, melongena is a different species but they are closely related since their generic name, their first name is same. ठीक है, अब कैसे में आएंगे वो closely relation में, वो हम आगे देखेंगे. देखो different species name but similar generic name, है ना, तो दे आर क्लोजली रिलेटेड. सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, कांट हेल्प इट. अब आगे आते हैं, ये बात हो गई स्पीशीज की. अब हम आएंगे सेकेंड पे. सेकेंड है जीनस. नाउ व्हाट इज जीनस? जीनस बेसिकली मीन्स क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रुप्ड टुगेदर. व्हाट इज जीनस? Closely related species are grouped together. मतलब क्या हुआ? पहले हमने species में बात की, सबसे पहले शुरुआत थी उसमें एकदम close, मतलब close relation नहीं, इसमें सिर्फ हमने morphologic features पे जो एकदम distinct features थे जो सब में same थे उनको हमने एक species में डाला, फिर एक type का दूसरा morphological feature था वो सब में similar था, एकदम distinct था, उसको हमने दूसरी species में डाला. ऐसे हमने अलग अलग species बना ली, जैसे indica हो गया mangifera indica, solenum tuberosum में tuberosum हो गया, solenum melongena में melongena हो गया, वो different species को belong करते हैं. अब जीनस क्या होता है? जीनस में जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है, यानी जो एक दूसरे के रिश्तेदार वाली स्पीशीज है, मतलब वो स्पीशीज अलग हैं, लेकिन उनका आपस में कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो क्लोजली रिलेशन है, उनको हम साथ में डाल देते हैं, वो आ गए बिलोंग करेंगे सेम जीनस को. तो इसका एग्जाम्पल मैंने अभी एक ऊपर एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे हम वापस से. सोलेनम ट्यूबरोसम जिसका मतलब पोटैटो, आई एम नॉट राइटिंग पोटैटो अगेन, यू शुड नो दैट.
एंड सेकेंड लेंगे सोलेनम मेलोंगेना. तो सोलेनम मेलोंगेना. अच्छा सी यहाँ पे मैंने टी और एम कैपिटल लिखा है, बट यू नो अकॉर्डिंग टू रूल्स व्हेन वी राइट सच काइंड ऑफ नेम टी एंड एम ऑफ द लाइक द फर्स्ट लेटर्स ऑफ द स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स. सो यहाँ पे मैं बस नॉर्मली लिख रही हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा ठीक है, एग्जाम में जब अगर कभी लिखने को आया तो. सोलेनम सोलेनम जो है सो वो जीनस है, यानी कि जो हमारा जेनेरिक नेम होता है एक साइंटिफिक नेम में जो जेनेरिक नेम होता है वो एक्चुअली शो करता है उसकी किसको जीनस को, उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है. तो यानी सोलेनम इज नेम ऑफ अ जीनस, इज वन ऑफ अ जीनस, एक जीनस का नाम है. और वो जीनस जो है वो पोटैटो और ब्रिंजल दोनों में सेम है, दोनों में सोलेनम सोलेनम आ रहा है राइट. यानी पोटैटो एंड ब्रिंजल सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनम मेलंगेना दोनों सेम जीनस को बिलोंग करते हैं, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं राइट. मैंने पहले ही बताया था कि उन दोनों में कुछ क्लोज रिलेशन तो होगा ही राइट, स्पीशीज के टाइम पे. यानी कि ये दोनों का सेम है, ये दोनों रिश्तेदार हैं, तो हमने रिश्तेदारों को सेम. इट्स लाइक बेसिकली यू कैन से दैट अ स्मॉल फैमिली तुम्हारे ब्लड रिलेशन में, जैसे कि तुम्हारे रियल ब्रदर सिस्टर आ गया, ये एक स्पीशीज हो गई. फिर तुम्हारे कजिन्स हो गए, कजिन्स जो आएंगे वो फैमिली का ही हिस्सा है लेकिन वो कजिन्स है पर वो क्लोजली रिलेटेड हो गए, तो वो हो गए जीनस. समझ आ रहा है, ऐसे आप समझ सकते हो. पर ये एग्जाम्पल को आप कंसिडर ना करके डायरेक्टली समझो तो अच्छा है, पर आपको समझने के लिए मैंने ऐसा कह दिया ठीक है. जीनस सेम है. अब एक वापस से मैं मैंगो पे जाऊंगी, मैं हर लेक्चर में मैंगो पे जाती हूँ, आई लाइक मैंगोस. सो मैंगीफेरा इंडिका में वैसे ही मैंगीफेरा जो होगा वो जीनस नेम होगा ठीक है. इन दोनों का सेम है, दैट शोज दैट दे आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. ओके क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्योंकि स्पीशीज अलग है बट बिलोंग टू सेम जीनस. प्लीज कीप राइटिंग ऑल दिस अप, दिस इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटीज, बट इफ यू वुड मेक नोट्स यू विल रिमेम्बर बेटर राइट. अब हम थर्ड पे आएंगे. जीनस के बाद क्या आता है हमारा, किसी को याद है? फैमिली ठीक है. अच्छा एक मैंने आपको एग्जाम्पल जीनस में नहीं बताया, देर इज वन जीनस जो जिसका नाम है पैंथेरा. पैंथेरा जीनस के अलग अलग जो स्पीशीज है, जैसे पैंथेरा लियो विच मीन्स लायन, देन देर इज पैंथेरा पैंड्रस विच मीन्स लेपर्ड, एंड देर इज पैंथेरा टाइग्रिस विच मीन्स टाइगर. आप देख रहे हो इन सबका स्पेसिफिक एपिथेट डिफरेंट है, मतलब ये तीनों डिफरेंट स्पीशीज है ऑब्वियसली. अब पैंथेरा लियो की मैं बात करूंगी तो वो लायन है, वो लायंस अलग कैटेगरी हो गए. पैंथेरा टाइग्रिस की बात करूंगी तो वो टाइगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइग्रिस जो है वो स्पीशीज हो गई, तो टाइगर्स अलग हो गए, वो टाइगर्स जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन इन सबका स्टार्टिंग जो है वो है पैंथेरा विच इज द जेनेरिक नेम, एंड जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट्स व्हाट, जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो इन सबका पैंथेरा 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 सेम है, मतलब ये क्लोजली रिलेटेड तो है, हम जानते हैं लेपर्ड टाइगर और लायन जो है वो क्लोजली रिलेटेड है, हम समझ सकते हैं इस बात को. और इन सबका जीनस पैंथेरा है, सो दे ऑल आर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज एंड दे बिलोंग टू सेम जीनस विच इज पैंथेरा. तो ये पैंथेरा इज ऑल्सो अगेन वन जीनस, और ये सब एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं ठीक है. ये भी आपकी बुक में दिया होगा आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. फैमिली क्या होगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस. समझो स्पीशीज हम पहला यूनिट है, फिर उसके बाद क्या है जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, फिर आया फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, प्रीवियस वाले का ग्रुप्स, प्रीवियस वाले जो उसमें जो मैक्सिमम सिमिलैरिटीज या कॉमन होंगे, जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे, उनको हमने नेक्स्ट कैटेगरी में साथ में डाल दिया. तो आप देख रहे हो जैसे 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 दिस इज इट्स लाइक अ ट्राइंगल, स्पीशीज एकदम एपिक्स पे है, नीचे आए जीनस और नीचे आए फैमिली और नीचे आए, जैसे जैसे हम नीचे नीचे जाते जाएंगे बड़ा होता जाएगा
एज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होते जाएंगे उसमें. ओके हाँ, अब एक बात जो इम्पोर्टेंट नोट करना, अभी तक हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देख रहे थे एंड यहाँ पर हम मॉर्फोलॉजिकल, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं. फैमिलीज में रिप्रोडक्टिव फीचर्स आर ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन. यू शुड डू, यू मस्ट राइट डाउन दिस पॉइंट. ओके, देन इसका एग्जाम्पल ले रही हूं मैं. फैमिली को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ. पैंथेरा के बारे में ही मैंने अभी बात की थी, तो हम पैंथेरा के बारे में ही बात करते हैं. इट्स पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, एंड देन देयर इज पैंथेरा पैंड्रिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इट इज पैंथेरा पैंड्रिस. ओके, पार्डस, आई एम सो सॉरी, दैट इज पार्डस. ठीक है, पैंथेरा पार्डस. एंड ये सब का तुम देखो, अब आप यहां पे नोटिस करेंगे, पैंथेरा लियो मतलब लायन, पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर्स, पैंथेरा पार्डस मतलब लेपर्ड्स. तो लियो एक स्पीशीज हो गई जिसमें सारे लायंस आते हैं. ऑब्वियसली हमने देखा बाहर से मॉर्फोलॉजिकल फीचर एकदम डिस्टिंक्ट क्लियर है, वो ही स्पीशीज. पैंथेरा टाइग्रिस में टाइग्रिस यानी टाइगर्स एक स्पीशीज हो गई, उनमें टाइगर्स की एकदम अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती है हमें, पता ही है. पार्डस जो हो गए वो लेपर्ड्स, लेपर्ड्स अलग दिखते हैं. सो ये सब स्पीशीज हुई. आई थिंक अब आप स्पीशीज को समझ पा रहे होंगे कि स्पीशीज क्या होती है. और पैंथेरा जो है, अब हम जानते हैं कि लायन हो, टाइगर्स हो, लेपर्ड्स हो, सब में कुछ फीचर्स तो कॉमन है, कार्निवोरस है, थोड़े बहुत सिमिलैरिटीज लुक फीचर्स में, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में और देखने को मिलते हैं तीनों में, कॉमन्स हैं, काफी सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं एंड वो क्लोजली रिलेटेड हैं, ये तो हम समझते ही हैं. तो पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा तीनों का जो जेनेरिक नेम है वो पैंथेरा है, विच मीन्स दे बिलोंग टू सेम जीनस ये तीनों, एंड उस जीनस का नाम है पैंथेरा. ओके, ये मैंने बता दिया था. अब फैमिली की बात करते हैं. तो ये तो हो गया जीनस की बात की, ये तीनों जो है सेम जीनस को बिलोंग करते हैं. आपने सुना होगा कैट्स के बारे में. कैट्स जो है वो एक अलग जीनस को बिलोंग करती हैं, जिसका नाम है फेलिस. तो कैट्स जो है वो बिलोंग करती हैं एक जीनस को, फेलिस इज अ जीनस. ओके, राइट डाउन, बिलोंग करती हैं फेलिस को. तो यहाँ समझने वाली बात क्या है, कभी आपने सुना हो कि हम कहते हैं ऐसे कार्टून से भी दिखाते हैं टॉम एंड जेरी में भी, दैट कैट्स एंड टाइगर्स एंड लायंस दे आर क्लोजली रिलेटेड, दूर के रिश्तेदार, ऐसे टॉम एंड जेरी में दिखाया होगा कभी. मतलब फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस क्लोजली रिलेटेड जीनसेस है, दूर के रिश्तेदार है पैंथेरा एंड फेलिस. मतलब ये सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं. वाई, what is the definition of family? Family means closely related genus group together. यानी पैंथेरा और फेलिस सेम फैमिली में आएंगे तो उसको हम बोलेंगे, इन दोनों को हम साथ में ग्रुप करेंगे. फेलिस एंड पैंथेरा जीनस सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं एंड उस फैमिली का नाम है फेलिडी, FELIDAE, फेलिडी. ठीक है, दिस इज द फैमिली जिसमें कैट्स और लायन, टाइगर, लेपर्ड सब आते हैं. ठीक है, फेलिस एंड पैंथेरा दोनों आ गए. सिर्फ एग्जाम्पल से मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है. ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे. फोर्थ इज ऑर्डर. अब ऑर्डर वो क्या होगा, पहले फैमिलीज था, मतलब अब हम क्या करें, क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज को साथ में डाल रहे हैं. देख रहे हो, बड़ा होता जा रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो क्लासिफिकेशन है वो क्वांटिटेटिवली यूज होती जा रही है, ऑर्गेनिज्म ज्यादा आ रहे हैं उसमें, ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स साथ में. तो कैटेगरी ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज ग्रुप टुगेदर, राइट. उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे अब. मैं एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ. फेलिडी फैमिली की बात की हमने अभी ऊपर. फेलिडी फैमिली के साथ एक और फैमिली आती है जिसका नाम है कैनिडी. ये एक और डिफरेंट फैमिली है, जैसे फेलिडी है वैसे और भी बहुत सारी फैमिलीज होंगी, राइट. ये दोनों साथ में आती हैं और
एक ही एक ऑर्डर में जिसका नाम है कार्निवोरा। फेलिडी एक अलग फैमिली है, कैनिडी एक अलग फैमिली है, लेकिन फेलिडी एंड कैनिडी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है। उनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं कि उनको हम सेम ग्रुप में आगे डाल सके, तो वो सेम ऑर्डर को बिलोंग करते हैं एंड उस ऑर्डर का नाम है कार्निवोरा। वो कार्निवोरस होते हैं सब, राइट? वो आई कैटेगरी कार्निवोरा में। नेक्स्ट फिफ्थ कैटेगरी अपनी कौन सी है? क्लास। ऑर्डर के बाद आता है क्लास। क्लास मतलब डिफरेंट ऑर्डर्स को अब हम ग्रुप कर देंगे, यानी कार्निवोरा और कोई और ढेर सारे अलग अलग क्लास आते हैं। तो इसमें मैं सिर्फ एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी जो बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है, जैसे कि मैमल्स। मैमल्स क्या है? वो एक क्लास होती है। मैमल्स इज अ क्लास, इट्स नॉट एन ऑर्डर, इट्स नॉट अ किंगडम, इट्स नॉट अ फाइलम, इट्स अ क्लास। सो मैमिलिया क्लासिफिकेशन, मैमल्स नहीं कहते हैं हम उनको, टेक्निकली हम उनको मैमिलिया कहते हैं, ठीक है? सिक्स्थ क्लासिफिकेशन की अब हम बात करेंगे, उसका नाम है फाइलम। आपकी बुक में दिया है, इसको हम डिविजन भी कहते हैं, ठीक है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिविजन। ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट क्लास आर ग्रुप टुगेदर, ठीक है? हमने क्लास देख लिया था, अब क्लास के बाद फाइलम आएगा, तो क्लोजली रिलेटेड क्लासेस या डिफरेंट क्लासेस को हम साथ में करेंगे, जिनमें कॉमन फीचर्स दिखेंगे, ऑब्वियसली उनमें ही कॉमन फीचर्स दिखेंगे जो कि क्लोजली रिलेटेड है, ठीक? ठीक बात। एग्जाम्पल आता है इसका, एंजियोस्पर्मी करके एक फाइलम होता है। अब एंजियोस्पर्मी क्या होता है, उसमें क्या आता है, ये जैसे जैसे हम 11th के बायो में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे आएगा। अभी के लिए सिर्फ आप ये नाम याद कर लो, ओके? सेवेंथ है द बिगेस्ट ऑफ ऑल किंगडम। किंगडम में सबसे वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है, राइट? बिगेस्ट कैटेगरी, ऑफकोर्स इट विल बी द बिगेस्ट कैटेगरी। तो ये फाइनल है और ऑल द डिविजन्स आर ग्रुप टुगेदर ऑब्वियसली, ठीक है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इन कैटेगरी को हायरार्कियल फॉर्म में लिखने के, ठीक है? ओके, तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं हम किंगडम का। किंगडम का एग्जाम्पल है प्लांटे, ये भी लिख लेना। प्लांटी एक किंगडम है, एक किंगडम है उसका नाम होता है एनिमिलिया। ये सब अलग अलग प्लांटियन एनिमिलिया द किंगडम्स, ठीक है? अब हम बिफोर गोइंग टू, आई थॉट कि हम पहले सारे वो देख लेते हैं सबका कैटेगरी वाइज, लेकिन कुछ एग्जांपल्स लेके, लेकिन पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट कर लेते हैं चीजें विच यू शुड नो, ठीक है? सो नोट्स हेडिंग देना। पहला पॉइंट, keep writing with me, okay? SV मैंने species लिखा है spot में, G for genus, F for family, O for order, C for class, PH for phylum, K for kingdom. तो जैसे जैसे आप species से species से kingdom की तरफ आते हो वैसे वैसे क्या होगा, सिमिलैरिटीज जो है वो कम होती जाएंगी, कॉमन फीचर्स जो है वो कम होते जाएंगे। क्यों? ऑब्वियसली देखो, एक समझने वाली बात है कि
जब आप स्पीशीज में थे तो स्पेसिफिक फीचर्स के बेसिस पे आपने क्लासिफाई कर दिया था उनको कि टाइगर्स में टाइगर्स की, लायन में लायन की, लेकिन बाद में जीनस में आपने उनको सेम जीनस में डाल दिया, फिर उनको सेम फैमिली में डाल दिया, ऐसे ऐसे आप और डालते रहे तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ कॉमन वो कम होते गए. आई होप ये आपको देखना है, तो एक बार देख लो मैंने क्या लिखा है. नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस एज यू गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम. ठीक. सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन कैटेगरीज मोर डिफिकल्ट इट इज टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बताती हूँ आपको, लिख लीजिए स्टडी ऑर्गेनिजम्स. देखो इंक्रीज इन कैटेगरी मतलब स्पीशीज से, स्पीशीज सबसे छोटी है, डिक्रीज कैटेगरी सबसे छोटी है, फिर आप आए नीचे से, स्पीशीज सबसे नीचे ऊपर सबसे किंगडम है. ठीक है, मैंने यहाँ उल्टा लिखा है, हमेशा रिमेम्बर किंगडम इज द बिगेस्ट, सबसे ऊपर. ठीक है, नीचे स्पीशीज, आप स्पीशीज से किस पे, जीनस, जीनस पे आप फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर पे क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम पे चले गए. तो किंग जैसे आप ऊपर जा रहे हो आप इंक्रीज कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे कैटेगरीज में ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी डिफिकल्ट होती जाएगी. क्यों? देखो आप टाइगर के बारे में किंगडम से पढ़ो या आप टाइगर के बारे में स्पीशीज से पढ़ो, क्या आसान रहेगा? ऑब्वियसली स्पीशीज के तरीके से पढ़ना आसान रहेगा क्योंकि स्पीशीज में सिर्फ हम टाइगर्स ही देख रहे हैं, एक ही टाइगर्स ही हैं सारे के सारे, तो उनकी फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, उनके बारे में स्टडी करना आसान है. लेकिन आप किंगडम से टाइगर्स के बारे में पढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी क्योंकि बहुत वास्ट एनिमल्स आ चुके होंगे किंगडम में. किंगडम में एनिमिलियाज आ चुके होंगे, किंगडम में प्लांटे जो होते हैं उसमें ढेर सारे प्लांट्स आ चुके होंगे, तो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. जैसे कि आप स्पीशीज से टाइगर के बारे में पढ़ना चाहोगे या फैमिली से पढ़ना चाहोगे, समझ रहे हो वो डिफरेंस ऐसे समझने का है. ठीक है, फेलिडी फैमिली में से, फेलिडी में अब कैट्स भी आ गए, लायंस भी आ गए हैं, लेपर्ड्स भी आ गए हैं, तो उसमें टाइगर्स के बारे में फीचर्स और कैरेक्टर्स पढ़ना डिफिकल्ट हो जाएगा कंपेयर टू डायरेक्टली स्टडिंग फ्रॉम टाइग्रिस स्पीशीज. पैंथेरा टाइग्रिस के बारे में तुम टाइग्रिस स्पीशीज से पढ़ लो ना डायरेक्टली. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए के बारे में स्टडी करना मुश्किल होता जाता है. आई होप आई एम नॉट फास्ट, इफ आई एम फास्ट आई एम रियली सॉरी, आप मुझे बताना तो मैं आगे के लेक्चर्स में स्पीड स्लो रखूंगी. और अगर बहुत दिक्कत आ रही हूँ तो प्लीज आप पॉज करके देखना, भागने की, खत्म करने की जल्दी मत करिएगा. ओके, थर्ड पॉइंट लिखना, लोअर द टैक्सा. मतलब टैक्सा इज बेसिकली लैंड, ये हर एक एक जो है हर इसको हम टैक्सा कहते हैं, किंगडम हो, फाइलम हो, दीज ऑल आर टैक्सास, टैक्सोनॉमिकल है कि टैक्सास. मोर मोर इज द नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, लोअर द टैक्सा मोर इज द नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज दे शेयर. कैसे? सबसे ऊपर किंगडम, नीचे जाते 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 सबसे नीचे स्पीशीज. वो कह रहे हैं लोअर द टैक्सा, नीचे जो जितना नीचे होंगे उतना ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी. ऑब्वियसली बात है किंगडम में बात करोगे तो बहुत वाइड वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिजम्स में ढूंढना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप नीचे आओगे और नीचे आओगे और नीचे आओगे. अब तुम अगर फैमिली की बात करोगे फेलिडी की, तो उसमें फेलिडी कंपेयर टू किंगडम, लाइक फैमिली कंपेयर टू किंगडम, फैमिली में ज्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना देन किंगडम, तो फैमिली से पढ़ना ज्यादा आसान होगा. सेम वे फैमिली वर्सेस स्पीशीज, स्पीशीज में सिर्फ टाइगर्स है, टाइग्रेस, एंड फैमिली में फेलिडी में कैट्स भी हैं, टाइगर्स भी हैं, लायंस भी है, लेपर्ड्स भी हैं, तो तुम्हें किसी एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना स्पीशीज में, सपोज टाइगर के बारे में पढ़ना चाहते हो तो अगेन स्पीशीज से पढ़ना ज्यादा आसान होगा ना, रादर देन स्टडीइंग फ्रॉम फैमिली. Why? Because as you go down, the lower the rank, more is the similarities that they share. Okay? Fourth point. Always write
क्लासिफिकेशन या ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगराइजेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, मतलब बड़े से छोटा, यानी किंगडम से, जैसे मैंने बताया सबसे ऊपर किंगडम, सबसे नीचे स्पीशीज, इस फॉर्म में लिखना चाहिए, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा से सबसे नीचे, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ठीक है? किंगडम से फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ठीक? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी के चार्ट से एक्सप्लेन करूंगी. उसमें एक चार्ट दिया हुआ है बहुत अच्छा, वो हम बात करते हैं. सो देखो, मैंने ये ओपन किया है. दिस काइंड ऑफ चार्ट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. एक्चुअली दिस इज द चार्ट विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. हम ये एक एक समझते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स के लिए अच्छा है समझने के लिए. पहला है कॉमन नेम मैन. मैन का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम हमें क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट? होमो सेपियंस, अब तुम गेस कर सकते हो, सेपियंस इज स्पेसिफिक एपिथेट, होमो इज जेनेरिक नेम, सेपियंस क्या शो करता है? उसका स्पीशीज नेम, और होमो शो करता है मतलब किस स्पीशीज को बिलोंग करता है, और होमो शो करता है कि वो किस जीनस को बिलोंग करता है. तो होमो सेपियंस में मैन की स्पीशीज क्या हो गई? सेपियंस. हम सेपियंस स्पीशीज को बिलोंग करते हैं. जीनस क्या हुआ? होमो. देन फैमिली का नाम होता है होमिनिडी. देन ऑर्डर होता है प्राइमेटा. देन क्लास मैमिलिया. एंड फाइलम होता है कॉर्डेटा. ऐसे हर ऑर्गेनिज्म का सारा सातों का सातों क्लासिफिकेशन होता है, सातों के सातों लेवल पे डिविजन होता है, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद होने चाहिए नॉर्मल वाले. हाउसफ्लाई, हाउसफ्लाई का बायोलॉजिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका. क्या नाम है? मस्का डोमेस्टिका. इसमें डोमेस्टिका अगेन स्पेसिफिक एपिथेट शोज द स्पीशीज, तो हाउसफ्लाई बिलोंग्स टू डोमेस्टिका स्पीशीज एंड मस्का इज द जीनस, सो हाउसफ्लाई बिलोंग्स टू मस्का जीनस. उसकी फैमिली का नाम है मस्किडी. उसका ऑर्डर है डिप्टेरा, और डिप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करती है, इंसेक्टा क्लास को बिलोंग करती है, और आर्थ्रोपोडा डिविजन को बिलोंग करती है. सेम वे मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका स्पीशीज, मैंगीफेरा जीनस, एंड एकार्डियसी जो है उसकी है फैमिली. सैपिंडल्स है ऑर्डर, डाइकोटिलेडनी उसकी क्लास, एंड एंजियोस्पर्मी फाइलम. जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइकोटिलेडनी, ओके? आएगा डाइकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडनी, सब आएगा. देन वीट का साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम. ट्राइटिकम जो हो गया जेनस. पोएसी है उसकी फैमिली. पोएल्स उसका ऑर्डर. मोनोकोटिलेडनी क्लास को बिलोंग करती है, और जिस डिविजन या फाइलम को बिलोंग करती है उसका नाम है एंजियोस्पर्मी. यानी मैंगो और वीट सेम फाइलम को बिलोंग करते हैं, देख रहे हो? एंजियोस्पर्मी दोनों सेम फाइलम के हैं, ठीक है? सो आई होप दिस चार्ट इज अगेन क्लियर, ठीक है? आई होप मैंने वो चार्ट एक्सप्लेन किया वो क्लियर है. सो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन खत्म हो चुका है. हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देख लिया है. अब मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज खत्म हो चुका है, अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स की. नाउ व्हाट इज टैक्सोनॉमिक एड्स? दिस इज द लास्ट टॉपिक, सो प्लीज फोकस करेंगे. नाउ व्हाट इज टैक्सोनॉमिक एड्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो टैक्सोनॉमिक एड्स जो है, अब मुझे आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर दीजिए कि हमने टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में एनिमल्स और प्लांट्स और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, उनके बारे में स्टडी कर ली, उनको स्टडी करके उनके इंफॉर्मेशन को लिख लिया, लेकिन अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कहाँ करेंगे? ये इंफॉर्मेशन स्टोर कहाँ की जाएगी, कैसे संभाली जाएगी? तो उन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, उन सब चीजों के लिए टैक्सोनॉमिक एड्स होती है. वैसी जगहों जहाँ पे हम इन सब चीजों को स्टोर कर सकते हैं, या उन चीजों उस जगह पर जाके उन प्लेसेस को विजिट करके उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उनको कहते हैं हम टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है? अब टैक्सोनॉमिक एड्स कौन से हैं? टैक्सोनॉमिक एड्स प्लेसेस हो सकती है या बुक्स होती है जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है.
पहला टैक्सोनॉमिक, अब टैक्सोनॉमिक एड्स के मैं कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, नोट करना. एग्जांपल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक एड्स आर, फर्स्ट इज हर्बेरियम. आप लोगों ने सुना होगा हर्बेरियम, नहीं तो फर्स्ट चैप्टर में आपकी बुक में दिया है वहां पे, ठीक है. एक डायग्राम भी दिया है छोटा सा हर्बेरियम का. सेकेंड, बॉटनिकल गार्डन्स. बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में तो डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा. थर्ड, जूज. जू तो जाते हैं ये सब लोग, जू भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है. फोर्थ, म्यूजियम. फिफ्थ, कीज. कीज क्या होती है, ये सब हम एक एक को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. देन आप आगे लिखो सिक्स करके जो और दूसरे, ये पांच मेन है. इसके अलावा होते हैं कैटलॉग्स, मोनोग्राम्स और मैनुअल्स. कैटलॉग्स, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स, ठीक है. बेसिकली कैटलॉग्स और मैनुअल्स बुकलेट्स हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी रहती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है. अब हम जो मेन फाइव है उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है. सो जो पहला है वो है हर्बेरियम. नाउ व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम बेसिकली एक जगह है, एक प्लेस है. इट इज अ स्टोर हाउस. हमारे घर में स्टोर रूम होता है ना, वैसे ये एक स्टोर हाउस है, ठीक है. यहाँ पे स्टोर हाउस में क्या होता है, बड़े बड़े वार्डरोब्स जैसे होते हैं पूरे स्टोर हाउस में. एंड उन स्टोर हाउस में प्लांट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इट इज ओनली फॉर प्लांट्स, प्लीज डू राइट दिस, ओके. प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है. कैसे? सो इट इज नथिंग बट अ स्टोर हाउस कलेक्टेड प्लांट सैंपल्स. प्लांट सैंपल्स, प्लांट स्पेसिमेंट्स आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, ठीक है. तो क्या करते हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है? प्लांट स्पेसिमेंट्स को जो कलेक्ट किया जाता है, उन प्लांट्स को सुखाया जाता है, स्पेसिमेंट को ड्राई किया जाता है, फिर उनको शीट्स के ऊपर, शीट्स के बीच में रख के प्रेस किया जाता है. और वो एक पूरी प्रोसेस होती है. इन शॉर्ट में बोले तो ड्राई करते हैं, प्रेस करते हैं एंड फिर उसको कलेक्ट करके प्रिजर्व करके रख देते हैं. ऑब्वियसली हम इसको प्लग करके रख रहे हैं, दीज आर डेड थिंग्स, दीज आर नॉट लिविंग. हम उनको निकाल के सुखा के रख रहे हैं, ठीक है. ऐसा मत बोलना कि ये तो लिविंग है. अब लिविंग नहीं है, ठीक है. ऑन द शीट्स, साइज क्या होता है इन शीट्स का जिन पे हम उनको प्रेस करके रखते हैं, वो है 11.5 टू 16.5 इंचेस की शीट होती है, ठीक है. इसके बाद आता है लेबल्स. अब क्या होता है, ये तो सिर्फ स्पेसिमेन हमने स्टोर कर दिया, लेकिन उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, जो भी उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और वो सब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक साइट में लेबल होता है जिसके में उसका नेम, उस प्लांट को किसने कलेक्ट करके लाया, उस पर्सन का नेम एंड उसके जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स है या जो भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सारे फीचर्स के बारे में लिखा जाता है, ओके. नेम, किस फैमिली को बिलोंग करता है वो प्लांट, दिस इज ओनली फॉर प्लांट्स. उसको किसने कलेक्ट करके लाया उसके बारे में लिखा जाता है, ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज डू नोट डाउन, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है. फर्स्ट, अब हर्बेरियम जो स्टोर हाउस है वो हर जगह, हर कंट्री में होते हैं या हर कॉन्टिनेंट्स में होते हैं उनके पर्टिकुलर. तो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द एंटायर वर्ल्ड,
लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन, वेयर इज इट प्रेजेंट? म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री एक म्यूजियम है जो कि पेरिस में है। उस म्यूजियम में एक रूम है, स्टोर हाउस है, जहां पे जिसको हर्बेरियम बनाया है, और वहां वो सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम है। ठीक है, सो लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड, वेयर इज इट? इन द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, पेरिस। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम इन हमारे एशिया की भी तो बात कर ले। तो सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ एशिया। ये वर्ल्ड का हो गया, अब एशिया का। तो एशिया का सबसे बड़ा जो हर्बेरियम है वो इंडिया में है, और उसका नाम क्या है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, एंड इट इज प्रेजेंट इन कोलकाता, सिबपुर। सिबपुर कोलकाता में प्रेजेंट है। अब यहां पे मैंने लिखा है लोकेटेड इन इंडियन बॉटनिकल गार्डन। देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ एशिया का नाम क्या है? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, लेकिन वो लोकेटेड कहाँ है? इंडियन बॉटनिकल गार्डन में। तो वो बॉटनिकल गार्डन जो एरिया है, वहां पे एक स्टोर हाउस बनाया गया है जिसको हर्बेरियम बनाया गया है, और वो कोलकाता में प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो कोलकाता सिबपुर में हर्बेरियम प्रेजेंट है। ओके, कोलकाता में कहाँ? सिबपुर। सेकेंड, अब बॉटनिकल गार्डन की बात करेंगे। तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? आई थिंक आपको पता होगा, कभी आपने कोई बॉटनिकल गार्डन विजिट किया है, शायद स्कूल डेज में किया हो। स्कूल डेज में कभी ले गए हो पिकनिक में बॉटनिकल गार्डन? बोर करने के लिए हमको बहुत लेके जाते हैं। सो द प्लांट्स, प्लांट स्पीशीज जो है, अगेन बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स ही होते हैं सिर्फ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, प्लांट्स को ग्रो किया जाता है और फिर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उनके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, इन जैसे कि वहां पे क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन इज नथिंग लाइक अ नॉर्मल गार्डन, इट्स लाइक अ नॉर्मल गार्डन। उन्होंने वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स है, जो जो उनको लगते हैं, उनको वहां पे उन्होंने ग्रो कर रखा है अलग 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 से, और उनके साथ एक उन्होंने लेबल लगाया है जिसपे उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। सारी इंफॉर्मेशन जो भी कहाँ कहाँ मिलते हैं, रीजनली क्या क्या होता है, उनका नेम क्या है, साइंटिफिक, सब कुछ डिटेल्स। तो लेबल प्रेजेंट होता है गिविंग इंफॉर्मेशन। ओके, अब इसके रिलेटेड नोट इम्पॉर्टेंट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये भी नोट्स भी याद रखने हैं। तो अब हम वापस बात करेंगे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेजेंट वेयर? उसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। क्या नाम है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन, विच इज प्रेजेंट इन क्यू, विच इज लोकेटेड इन लंडन, इंग्लैंड। सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्यू इज लोकेटेड इन इंग्लैंड, राइट? ऑफकोर्स। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट है ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन। दुनिया का सबसे पहला बॉटनिकल गार्डन जो है वो कौन सा है और वो कहाँ पर है? तो ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है उसका नाम है पैडो बॉटनिकल गार्डन, PADUA, पैडो बॉटनिकल गार्डन। एंड वेयर इज इट प्रेजेंट? इट इज प्रेजेंट इन इटली। ओके, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे।
थर्ड पॉइंट है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, दीज आर लाइक रटने वाला नोट्स की कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है. अब एशिया की बात करेंगे हम. एशिया में द लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन एशिया इज प्रेजेंट इन अगेन कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में हर्बेरियम था, वहीं पे बॉटनिकल गार्डन में हर्बेरियम था, तो ये वही है. कौन सा? इंडियन बॉटनिकल गार्डन नाम है उसका, इंडियन बॉटनिकल गार्डन. कहाँ? सिबपुर कोलकाता. आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग. देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है राइट, वही सिबपुर कोलकाता. ठीक है, अब हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, उसके बाद क्या बात करेंगे. एक और पॉइंट लिख लीजिए, बीएसआई. बीएसआई का फुल फॉर्म है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जो सारे बॉटनिकल गार्डन्स को रेगुलेट करती है, उनका सर्वे करती है, उन पे ध्यान रखती है. व्हाट इज इट? बीएसआई, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ठीक है, अब आते हैं म्यूजियम पे. म्यूजियम हमको वो बोरिंग जगह लगती थी जहाँ पे हमें जाना, जहाँ पे हमें थोड़ा बोर होते थे, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग लगती थी. तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की स्पेसिमेंस होते हैं, ऑब्वियसली डेड स्पेसिमेंस, नॉट लिविंग. प्रिजर्व स्पेसिमेंस जो केमिकल्स में या जिनको यू नो अंदर भर देते हैं, स्टफ करके स्पेसिमेंस स्टोर किए जाते हैं राइट, और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है. इस ब्रेन म्यूजियम तो हम सभी जानते हैं. लार्जेस्ट म्यूजियम जो है उस म्यूजियम का नाम है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जहाँ जो मैंने पेरिस का बताया था, जहाँ पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड है. तो लार्जेस्ट म्यूजियम ऑफ वर्ल्ड इज म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. कहाँ पे है? पेरिस में. लिख लीजिए आप लोग. अब आगे बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क्स की. जूलॉजिकल पार्क्स को हम शॉर्ट में बोलते हैं जू. जू के बारे में मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताऊंगी, बहुत बचपन में गए हो. अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कीज. व्हाट आर कीज? कीज बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को डिस्क्राइब करती है. ठीक है, दोनों की आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है. तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे उनके बारे में, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कीज जो है दे आर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. ठीक है, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज. Based on contrasting features. देखो keys में क्या होता है, एक कॉलम बना दिया जाएगा, इस साइड सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज लिखी होंगी, और सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये सिमिलैरिटीज है. अच्छा, मैं जो प्लांट लेके आई हूँ, मैं एक प्लांट लेके आई हूँ, मुझे आइडेंटिफाई करना है कौन सा प्लांट है. तो मैंने देखा ये सिमिलैरिटी है, नहीं ये डिसिमिलैरिटी है, ये सेम नहीं होता, इसमें नहीं होता. ओके, सिमिलैरिटी है, हाँ ये सेम है, ओके इसके बारे में. आगे फिर और आगे अंदर अंदर जाएंगे ऐसे. तो सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, और उसके बेसिस पे हम किसी प्लांट या एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो मतलब हम कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स देख रहे हैं कि प्लांट में ये है और ये नहीं है, तो दैट इज द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर. हाँ भाई ये है तो हम सिमिलैरिटीज के साथ जा रहे हैं. ओके, और जो हम दो फीचर्स कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स को कंपेयर करते हैं उसको कहा जाता है कपलेट. कि ये फीचर है और ये फीचर नहीं है तो हम इसके साथ गए, तो दैट इज अ कपलेट. ओके, इट इज कॉल्ड अ कपलेट. इट इज पेयर्ड, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स आर पेयर्ड. ओके, ऑल्सो हर एक स्टेटमेंट जो एक की में लिखी होती है, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट विच इज रिटन इन की is called a lead. Why it is called a lead? आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने पहली सिमिलैरिटी ढूंढी,
you found the first similarity, then you went to next level and searched for another similarity, then you went on next level and searched for. So every time you get a similarity, it's a lead. It's a lead to get to the next level, right? इसलिए हर स्टेटमेंट को लीड कहा गया है. ठीक है, एवरी स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड एज लीड. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे. दिस वॉज द लास्ट टॉपिक. हमने आज टैक्सोनॉमिकल एज्स देखी. टैक्सोनॉमिकल एज्स क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और कोई प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं. और आज हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज देखी. 7 कैटेगरीज होते हैं. वो क्या होते हैं, उनमें कैसे डिविजन होता है, सब कुछ स्टडी किया. ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया आज के लेक्चर में है. अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी. ठीक है, और हम बीच बीच में टेस्ट भी लेंगे. अभी तो हमारा पहला ही चैप्टर खत्म हुआ है. टुडे फाइनली वी कंप्लीट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बायोलॉजी 11th स्टैंडर्ड व्हिच इज द लिविंग वर्ल्ड. ये आज खत्म हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 और वो हम खत्म करेंगे. कोशिश करेंगे जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं. ठीक है, ओके, सो टुडे वी स्टॉप हियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.